अरियासी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक गुप्त काशी को मिली पक्के रोड की सौगात। गुप्त काशी में आने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। गुप्त काशी रियासी जिले का बहुत ही प्रसिद्ध पावन धार्मिक स्थान। आज यहाँ रोड की मिली सौगात। रियासी जिले से है महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ये अद्भुत स्थान। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके आपदा के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त साथी प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें कि इस समय हम रियासी जिले के बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान गुप्त काशी में मौजूद हैं और आज बहुत बड़ी सौगात जो है वो गुप्त काशी के लोगों को मिलने जा रही है। इस सौगात की बात करते हैं ना सिर्फ गुप्त काशी के लोगों को बल्कि पूरे रियासी जिले के साथ साथ हम बात करते हैं सुंदरबनी का इलाका हो या दूसरे जो भी लोग गुप्त काशी में यहाँ पे पहुँचते हैं उन सबको ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस सौगात के बारे में बात करेंगे। जी स्वागत है सबसे पहले तो जी। हाँ जी, अस प्रदीप जी थोड़ा बड़ा स्वागत करने हैं क्योंकि जेड़े जिंदे थ्रू पूरी दुनिया में साड़ी गल सुनोचदी है और सुनने का फायदा यह होंगे कि लोगों को पता चलता जो कोई कारोबार हुआ दा जां कोई काम चला दे। अस बड़े शुक्रगुजार इस गल जे इस मंदिर दे विच रोड पुजी आ और अच्छा रोड पुजी आ और महकमा PWD दे भी शुक्रगुजार हाँ क्योंकि जल्दी कोला जल्दी लुक पाई है उन्हें क्योंकि थोड़े दिन विच DC साहब ने दौरे किए तो उन्हें इसी दिखिया सुनिया तो वजह कन्ने लुक लगी पौन। और जी है जे अगे थोड़ा पोर्शन रही जा ला उसी भी लुक पई जा शहर ढंग का बनी जा क्योंकि एक बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान है जिहदे विच क्योंकि हज़ारां लोग आउंदे भी हैं तो दर्शन करगन तो ये कन्ने सहूलत होर होनी ये कन्ने ये है जो थोड़ा इसी होर स्थान की वधिया बनाया जा क्योंकि जेदे कन्ने लोगों की दर्शनीय आने की कोई दिक्कत नहीं होए। अज बड़ी दिक्कत घटी गई है क्योंकि ये लुक पाने कन्ने रोड बनने कन्ने क्योंकि जेड़ा यात्रु आओ सीधा इतने आई सकता। अस DC साहब के भी शुक्रगुजार हाँ, भारत सरकार के भी शुक्रगुजार हाँ क्योंकि ये फंड्स जेड़े भारत सरकार दे रही है लोगों का काम आवा दे। इस वेले पूरी जी सरकार साढ़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोड़े अफसर बैठे दे बड़ी दयानतदारी काम करा दे और अच्छा काम करा दे क्योंकि 24 घंटे चौकसी बेच क्योंकि कोई काम गलत नहीं होने देंगे क्योंकि हर जेल क्योंकि जोड़ी भी चीज़ बना दी है वो बड़ी तरीके बार बना दी है सहूलत कने बना दी है। जय हिंद। तो बहुत बड़ी सौगात है, फिर से बता दें इसी अगर इस हम बाढ़ के जो हमारे साथ पंच जुड़ चुके हैं उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत है शील जी आपका भी। शुक्रिया प्रदीप जी। किस तरह से देखते हैं इस अचीवमेंट को, आज गुप्त काशी में एक पक्का रोड जो है वो आज ये एक सपना था वो आज साकार होने जा रहा है। जी सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से हमारे गांव वालों का हमारा ये सपना था कि हमारे मंदिर तक जो है कि पक्का रोड पहुँचे और आज जैसे आप देख सकते हैं कि वो हमारा सपना आज कई हद तक पूरा हो गया है। तो बाकी जो बचा रोड है आगे हम वो भी कोशिश करेंगे सारे गांव वालों के सहयोग से कि आगे का भी जो रास्ता बचा है वो भी वहाँ भी पक्का हो जाए। धन्यवाद करता हूँ आपका जो आपने हमारे यहाँ पे टाइम निकाला और मुबारकबाद एक बार फिर से मैं सबको देता हूँ कि हमारा सपना जो काफ़ी समय से अधूरा था आज पूरा हो गया है। तो क्या कहेंगे आप अगर गुप्त काशी की बात करते हैं, लगातार प्रयास जो हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं कि गुप्त काशी को जो है वो रियासी के टूरिज्म मैप में भी इसको जगह मिले, आपकी तरफ से क्या प्रयास इसमें रहने वाले हैं? जी हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो गुप्त काशी जो हमारे टूरिज्म मैप में अभी तक नहीं आया है हम तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहूँगा कि इस जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए जाए, टूरिस्ट मैप में ऐड किया जाए ताकि जो कटरा में आने वाले टूरिस्ट हैं उनको भी पता चले कि यहाँ पे भी एक गुप्त काशी स्थान है, यहाँ काफ़ी मान्यता है इस जगह की, यहाँ पे आएँ और यहाँ के लोगों को भी थोड़ा रोज़गार बढ़े और इस जगह का नाम भी थोड़ा फेमस हो जाए। तो बाकी प्रयास तो जारी हैं, जो भी चल रहे हैं सब कर रहे हैं।
आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूँ कि इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, गूगल मैप में ऐड किया जाए ताकि टूरिज्म को पता चले। तो हमारे साथ है यहाँ के स्थानीय नंबरदार भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बड़ी सौगात है जी, स्वागत है आपका भी। मैं आज तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि इतना कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बिखरा हुआ इलाका ये कांस ब्राह्मणा ये प्रशासन की तरफ से भी और पंचों सरपंचों की और सब गांवों वालों की सहयोग देने वालों की मैं बड़ी खुशी चाहता हूं, बड़ा शुभ चाहता हूं कि जिहड़ा आज हमारे मंदिर में और हमारे गांव में ये लुक पैने लगी है और बहुत अच्छा हो रहा है। हम भी ये चाहते थे हमारा सपना जिंदगी में पूरा हो जाए, तो हम देख चलेंगे आगे आने वाले भी, जो हमारे आगे जो भविष्य चलेगा वो भी देखेगा तो हम भी देखेंगे इस ज़िंदगी में। तो बहुत खुश हूँ मैं। कहेंगे रजिंदर जी, आज ये बड़ी उपलब्धि जो है वो गुप्त काशी में मिल रही है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है श्रद्धालु आते थे और आते हैं, लेकिन एक ज़माना था कि जब जहाँ पर श्रद्धालु आते थे जहाँ पर सड़क नहीं होती थी, पीछे एक नाला था, तब पुली भी नहीं बनी थी, तो उनको आने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभार तो उनको दूसरे रास्ते से आना पड़ता था, जहाँ तो फिर वह आ नहीं पाते थे। लेकिन अब जब जहाँ पर पक्की सड़क पहुँच चुकी है तो श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ मंदिर जो हमारा जो है गुप्त काशी का उसको दर्जा मिला है, जहाँ पर लोग जो हैं अस्थियाँ भी प्रभावित कर सकते हैं, और अब अगर कोई जहाँ पर अस्थियाँ प्रभावित करना चाहता है तो वह बहुत आसानी से जहाँ पर आ सकता है, अपनी गाड़ी लेके आ सकता है, अपनी गाड़ी बुक करके आ सकता है, अपनी पर्सनल गाड़ी में वो आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं धन्यवादी हूँ अपने सरपंच साहब का, अपने लंबरदार का, हमारे पंच साहब सुशील भाई जी और जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने इस काम में सहयोग दिया, और आप खुद भी इस काम की देख रेख करते रहते हैं, आप इससे खुद गुप्त काशी कमेटी के जो प्रधान हैं, तो आपको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। सभी जो रियासी वासी हैं उनको शुभकामनाएँ और जितने भी बोले बाबा के भक्त हैं उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। धन्यवाद। बहुत बड़ी सौगात जो है वो भोले बाबा जी के भक्तों को मिल चुकी है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, हमारी सबसे अनुरोध है कि वो गुप्त काशी में ज़रूर आएँ। अब बिल्कुल गाड़ी जो है वो गुप्त काशी में, बिल्कुल पक्का रोड जो है वो बन चुका है। बहुत बड़ी सौगात है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, फिर से हमारी ये अपील रहेगी उनसे कि वह गुप्त काशी में ज़रूर आएँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुप्त काशी में जो है वो अब पक्के रोड की सौगात मिल चुकी है। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।